पांच का मजनामा, मतलब कि पांच क्वेश्चन बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक आपको मिसिंग नंबर का दे रखा है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, और इसके लिए आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं करें, कंसेप्ट लगेंगे उसमें कुछ ना कुछ। तो इसमें भी इस तरीके से काफ़ी ईजी कंसेप्ट लग रहा है। बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से कुछ ना कुछ हुआ है इसमें। तो अगर मैं ये बात करूँ, चार तीय 12 और 12 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो कितना आ गया 14। ठीक है, यहाँ तो हुआ है गुणा और यहाँ प्लस। 7 तीय 21 और 21 में अगर अपन 4 जोड़ दें तो 25 आ गया, फिर प्लस। अब देखिए गुणा करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसमें रिवर्स में चल लीजिए। 42 से मैंने क्या किया, प्लस किया था तो माइनस कर दीजिए। 42 माइनस 6 कितना आ गया 36। अब यहाँ अगर अपन गुणा कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो भाग 9 का दे दिया तो ये काटा तो बराबर आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या वर्ड दे रखा है, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल दे रखा है। और देखिए क्वेश्चन में हमेशा एक ही चीज़ नोटिस करनी है कि आपको क्या बोल रखा है, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, बस इस चीज़ को आपको कन्फर्म करना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है बनाया जा सकता है, तो देखिएगा ऑप्शन बी की मैं बात करूँ तो रेडियो इसमें से बनाया जा सकता है, और रेडियो में आर ए तो ये रहा, डी आई भी ये रहा, और ओ आपको ये रहा, तो रेडियो वर्ड बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको डिक्शनरी का दे रखा है, 500 को अरेंज करना है। और अरेंज करने के लिए देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जो फर्स्ट में है उनको काट दीजिए। अब सेकंड में देखिए ओ दे रखा है, आई दे रखा है, एस दे रखा है, और फिर ओ और फिर ओ। तो अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एच आएगा, इसका मतलब 3 नंबर का जो है वो सबसे पहले आएगा। देखिए फ्रेंड्स आपका काम आंसर देना है ना कि सॉल्यूशन बनाना। अगर मैं बात करूँ सी ऑप्शन की तो सिर्फ सी ऑप्शन में 3 सबसे पहले दे रखा है, तो बाकी को अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। फिर भी आप अगर अरेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको एनालॉजी का दे रखा है। देखिए कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है इसके अंदर जो लग रहा है, कैसे, पहले तो देखिए इन पे नंबर लिख दीजिए आप, जे 26, ये 18, ये 25 और ये 17, के 11, सी 3, जे 10 और बी 2। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या हुआ, ये आपके प्लस आपके 11 हो रहा है, क्योंकि 26 में अगर मैं प्लस 11 करूँगा तो वैसे ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो भी प्लस 11 हो रहा है, और 25 से 10 पे जाऊँ तो भी प्लस 11 हो रहा है, और 17 से मैं 2 पे जाऊँ तो भी प्लस 11 हो रहा है। पी में क्या है, देखिए पहले मैं इसके नंबर लिख देता हूँ, पी 16, डब्ल्यू 23, ओ 15 और बी 22। ठीक है, प्लस 11 करने पे यहाँ पे आपके पास में आना चाहिए था ए, क्योंकि एक बचेगा, बट यहाँ पे ए कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको इसका बिठाना पड़ेगा। तो इसको क्या है कि अगर मैं प्लस 15 कर दूँ तो आपके पास में ई आ जाएगा, यहाँ से मैं प्लस 15 करूँ तो क्या आ जाएगा, प्लस 15 करने के लिए देखिए आपको मैं बता देता हूँ, 23 में पहले तो प्लस 3 कीजिए 26 तक आ गया, और फिर 12 के जो नंबर आएगा वो 12 पे क्या आएगा, एल आएगा, तो इस तरीके से आपको प्लस करना है। 15 में मैं प्लस वापस 15 करूँ तो 30 होता है, और रिमाइंडर कितना 4 बच रहा है, और 4 पे आपके क्या आएगा, डी आएगा। 22 में अगर प्लस 15 करें तो 4 तो वैसे ही प्लस हो गए, और बच गए कितने 11, और 11 पे क्या आता है के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए एल डी के। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लासिफिकेशन का दे रखा है, और क्लासिफिकेशन में देखिएगा कंसेप्ट क्या लग रहा है, चारों में से अलग बताना कौन सा नंबर है। तो देखिएगा 123 आपको दे रखा है और फिर ये 06, तो 123 में अगर मैं 1 गुणा 2 गुणा 3 करूँ तो कितना आ गया 06। 232 12 दे रखा है, तो 2 गुणा 3 गुणा 2 करूँ तो कितना आ गया, 3 दुनी 6 और 2 12 ही हो गया। ठीक है, 324 फिर 24 दे रखा है, तो 3 गुणा 2 गुणा 4 बराबर कितना आ गया, 3 दुनी 6 और 6 चौक 24। यहाँ मैं बात करता हूँ 412 और 06, तो 4 गुणा 1 गुणा 2 आपके क्या आ गया, 4 एकम 4 और ये 4 दुनी 8 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है 06, तो आंसर आपका डी हो जाएगा।